नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। फेस कवर करना हुआ अनिवार्य, वहीं थूकना पड़ेगा अब महंगा। 20 अप्रैल से कई सारी गतिविधियों को मंजूरी दी जानी है, उसमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पाद की खरीद शामिल है। वहीं सार्वजनिक वाहनों से आवाजाही बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए फेस कवर करना अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। वहीं अब लोगों को थूकना भी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी बेवजह कहीं पर थूकता देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील के बाद आरोग्य सेतु के नाम दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी एक अपील के बाद ही लोग बालकनी और छत पर जाकर थाली ताली बजाते देखे गए थे। वहीं जब बात प्रकाश पर ताकत दिखाने की आई तो पूरे भारत में दिए और कैंडल की रोशनी जगमगाने लगी थी। वहीं अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील के बाद इस ऐप ने अपने नाम पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। खबरों की माने तो आरोग्य सेतु ऐप ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप सबको पीछे छोड़ दिया है। मोबाइल ऐप्स पर काम करने वाली संस्थान ऐप एनी की एक आधिकारिक के अनुसार मात्र 15 दिन के भीतर आरोग्य सेतु का नंबर 1 बन जाना इंटरनेट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। आंकड़ों की बात करें तो भारत के 82% से ज्यादा यूजर्स ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है। आज से लागू हो गए लॉकडाउन 2 के नियम। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान को और आगे बढ़ाने की तारीख की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से अपना खास ध्यान, साथ ही अपने घर वालों के सुरक्षा के लिए भी सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं सरकार ने सख्त आदेश देते हुए यह भी कहा है कि पहले के मुकाबले अब छूट आम नागरिकों को कम दी जाएगी, खासकर उन जगहों पर जहां पर कोरोना प्रभावित एक भी व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। वहीं मोदी ने यह भी साफ किया है कि एक हफ्ते बाद 20 अप्रैल से उन शहरों में थोड़ी छूट दी जाएगी जहां पर कोरोना अभी तक नहीं फैला है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिन जगहों पर कोरोना ने अभी तक दस्तक नहीं दी है वहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। कोरोना के खिलाफ मजबूती से भारत के होने का ICMR ने किया दावा। कोरोना से बचाव के लिए भारत में बंद की एक बार फिर से शुरुआत की गई है। बंद की अवधि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ICMR ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है कि कोरोना के खिलाफ भारत के मजबूती के साथ खड़ा है, जिसके तहत 37 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगवाए गए हैं। वहीं ICMR ने अभी तक 2,32,000 सैंपल्स के टेस्ट भी किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी आम नागरिकों से हाल ही में अपील करते हुए ऐसे समय में संयम और धैर्य के साथ काम करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम अनुशासन बनाए रखेंगे तो कोरोना को हराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार ने निकाला शहर में फंसे मजदूरों की परेशानी दूर करने का फॉर्मूला। 3 मई तक बंद की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए उपाय भी किए गए हैं। साथ ही शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत 20 अप्रैल के बाद शहरों के भीतर निर्माण कार्य की छूट मिलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए शहर में मौजूद मजदूर को ही रोजगार दिया जाएगा। वहीं बाहर से आए मजदूर को नहीं लाया जाएगा। इस पहल से महानगरों में फंसे मजदूरों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसी शहर में काम मिलने से उन्हें दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बंद के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और राहत दी गई है, जिसके तहत 15 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, जिसमें काम करने के लिए मौजूदा मजदूरों का ही होना अनिवार्य किया गया है। WHO को सबसे ज्यादा पैसा जाता था US की तरफ से, अब ट्रंप के फैसले का है इंतजार। कोरोना का असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर वर्तमान समय में चीन से भी ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के फैलते असर को सारा ठीक रहा चीन के ऊपर फोड़ा है, क्योंकि वह चीन ही था जहां से कोरोना का वास्तविक तौर पर निजात हुआ था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप चीन का साथ देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी शामिल होने की बात कह रहे हैं, और यही कारण है कि अमेरिका ने अब WHO को जाने वाली फंडिंग को रोकने का फैसला लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे ज्यादा WHO की फंडिंग होती है, ऐसे में यह WHO के लिए परेशानी वाली बात होगी अगर अमेरिका फंडिंग करने से पीछे हट जाता है। वहीं अमेरिका के इस फैसले पर WHO ने कहा है कि ऐसा कोई फैसला लेने का यह सही वक्त नहीं है, हमें राजनीतिकरण छोड़कर वर्तमान समय में कोरोना पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की खबर को रेलवे ने बताया गलत। सोशल मीडिया पर जब से कोरोना की हवा चली है तब से तरह तरह के भ्रामक पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक नई अफवाह सुनने में मिली थी, जिससे कि यह कहा जा रहा था कि बंद के दौरान रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान जारी किया है, जिस पर सफाई देते हुए रेलवे विभाग ने अभी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की अवधि तक, यानी कि 15 अप्रैल से 3 मई के बीच के लिए बुक किए गए करीब 39 लाख टिकट कैंसिल कर दिए गए। वहीं 3 मई तक बुक की गई हर टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें यह वाक्य मुंबई का है, जहां पर ऐसी बातें उड़ी कि पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन से प्रवासियों को घर भेजने का फैसला लिया है, जिसके बाद बंद के बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर बीते दिन हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इस बार भारत की GDP ग्रोथ रेट 2% से भी कम, उक्त जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2020
में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 1.9% के करीब रह सकती है। इसके बावजूद यह दुनिया में सबसे तेज गति होगी। दरअसल कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इस साल 1930 के बाद सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को घाटा हुआ है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में रखा गया है। केवल दो बड़े देश भारत और चीन ही 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। वहीं आईएमएफ ने यह भी उम्मीद जताई है कि 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में आंशिक सुधार आने की उम्मीद जताई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ शहरों को मिलने वाली छूट के लिए जारी की गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन 20 अप्रैल से कुछ शहरों को छूट देने के ऐलान के बाद अब गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत हवाई, रेल, सड़क मार्ग से यात्रा करना या फिर प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिकी और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस पर रोक लागू रहेगी। हालांकि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी फिलहाल रोक लगी रहेगी। वहीं जिन कार्यस्थल को खोलने का निर्णय जारी किया गया है, वहां पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सभी कार्यस्थल में सैनिटाइजेशन उपलब्ध कराने का निर्देश भी जारी किया गया है। CRPF ने छात्रों के लिए शुरू किया पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट। CRPF ने छात्रों की प्रतिभा को बाहर लाने के लिए देश भर में छात्रों के लिए नेशनल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता शुरू की है, जिससे कि लोगों को कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके, साथ ही छात्रों का खाली समय भी इस्तेमाल किया जा सके। खबरों की माने तो CRPF की यह प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र एक कैटेगरी में आएंगे। वहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 और कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे, जिसकी जानकारी CRPF के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। वहीं CRPF ने छात्रों से कर अपना नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया है। कोरोना की वजह से हॉकी इंडिया ने 2020 राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किया स्थगित। कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते असर को देखते हुए हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 के बाकी बचे विभिन्न वार्षिक वर्गों के टूर्नामेंट को स्थगित करने का ऐलान जारी किया है। हालांकि इस टूर्नामेंट के कई कार्यक्रम को पहले भी बदला गया था, मगर जारी की गई नई तारीख के अनुसार 29 अप्रैल से इस कार्यक्रम को शुरू होना था, मगर अभी देश में जारी स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हॉकी इंडिया ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद लिया है, जिसकी जानकारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, प्रशंसकों और अधिकारियों सहित सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से भी कम होने के बावजूद आपके अनुसार क्या हम कोरोना की इस परीक्षा के साथ ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को पास कर पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।